एक मध्यम वर्गीय कुत्ता, हरिशंकर परसाई। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, अरे इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? मित्र ने कहा, अरे तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे तो मैं निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे भी नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेजबान से पहले कुत्ता भौंक कर आपका स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई ही नहीं कि कुत्ते ने आपको गाली दे दी। अबे क्यों आया है? तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। फिर कुत्ते काटने का डर नहीं लगता, चार बार काट ले। डर तो है उन 14 बड़े इंजेक्शनों का जो कि डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यूं कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हालचाल तो उस कुत्ते का पूछो और इंजेक्शन भी उसे लगाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं पहुंचा तो उनके बंगले पर एक तख्ती टंगी दिखी, लिखा था कुत्ते से सावधान। मैं फौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो उन्होंने शिकायत की, अरे आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। मैंने कहा, माफ कीजिए, मैं बंगले पर गया था, वहाँ तख्ती लटकी थी कुत्ते से सावधान। मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी दिखी। यूं कोई कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है। मार्क टेन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दें तो वह आपको नहीं काटेगा। कुत्ते और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे। हमें वहाँ 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से ही भों भों की आवाज़ आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेजबान आए, कुत्ते को डांटा, टाइगर टाइगर। उनका मतलब था, शेर ये लोग कोई चोर या डाकू नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। कुत्ता जंजीर से बंधा था। उसने देख भी लिया था कि हमें उसके मालिक खुद भीतर ले जा रहे हैं, पर वह भूखे ही जा रहा था। मैं उससे काफ़ी दूर लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझा यह उच्च वर्गीय कुत्ता है, लगता ऐसे ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, चाहे वह कुत्ता ही क्यों ना हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। अरे इसी अहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में मैं? वह मुझे हिकारत की नज़र से देखता था। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे। नौकर कुत्ते को अहाते में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़किया आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे। वे उस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहाँ घूमकर लौट आते और इस कुत्ते को देखते रहते। पर यह बंगले वाला कुत्ता उन पर भौंकता, वे सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते, फिर आकर इसी कुत्ते को देखने लगते। मेजबान ने कहा, यह सिलसिला हमेशा चलता है, जब भी अपना कुत्ता बाहर आता है तो भी दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं। मैंने कहा, पर इसे उन पर भौंकना नहीं चाहिए, यह पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है, बेकुत्ते तो भुखमरे और आवारा हैं, इसकी और उनकी तो बराबरी ही नहीं, फिर यह चुनौती क्यों देता है। रात को हम बाहर ही सोए। जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते, यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उनके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भौंकता है जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं, तो यह भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगता है, जैसे उन्हें आश्वासन दे रहा हो कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा है। यह उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के थे 2 कुत्ते, उनका तो कुछ रौब ही निराला। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के पास थे 2 कुत्ते, उनका रौब ही निराला। मैंने उन्हें कभी भौंकते ही नहीं सुना। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते पर वे ध्यान ही नहीं देते थे। लोग निकलते तो वो झपटते भी नहीं थे। कभी मैंने उनकी धीमी गुर्राहट ही सुनी होगी। वे बैठे रहते या घूमते रहते, फाटक खुला होता तो भी वे बाहर नहीं निकलते। बड़े रौबीले, अहंकारी और आत्मतुष्ट टाइप के। यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भी भौंकता है और उनकी आवाज़ से आवाज़ भी मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूँ,
उच्च वर्गीय झूठा रोप भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी। यह चरित्र है इस कुत्ते का, यह मध्यम वर्गीय चरित्र है, यह मध्यम वर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कि कुत्ता त्रस्त पड़ा है, हमारी आहट पर वह भौंका भी नहीं, थोड़ा सा मरी आवाज में गुर्राया। आसपास के वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे पर यह उनके साथ भौंका भी नहीं, थोड़ा गुर्राया फिर निढाल पड़ गया। मैंने मेजबान से कहा, अरे आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है। मेजबान ने बताया, आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गफलत के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात ही में थे, दोनों ने घेर लिया इसे, खूब रगेदा, दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा, हालत खराब हो गई। नौकर इसे बचा कर लाया, तभी से यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन दिलाऊंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, दीन भाव से पड़ा था। मैंने अंदाजा लगाया, हुआ यूं होगा, यह अकड़ से फाटक के बाहर निकला होगा और उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रचता है, ये पट्टा ये जंजीर लगा है, मुफ्त का खाता है, लोन पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है। पर रात को जब किसी आसन्न संकट पर हम भौंकते हैं तो तू हमारे साथ हो जाता है। संकट में हमारे साथ है मगर यूं हम पर भौंकेगा। हम में से है तो निकल बाहर, छोड़े यह पट्टा और जंजीर, छोड़े यह आराम, घूरे पर पड़ा अन्न खा या चुरा कर रोटी खा, धूल में लोट, यह फिर भौंका होगा, इस पर भी कुत्ते झपटे होंगे। यह कहकर, अच्छा ढोंगी दगाबाज, अभी तेरे झूठे दर्प का अहंकार नष्ट किए देते हैं, इसे रगेदा, पटका, काटा और धूल खिलाई। और अब कुत्ता चुपचाप पड़े अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा है। हरिशंकर परसाई।